पहले तो हम पूरे हिमाचल को इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वो एक उप मुख्यमंत्री के रूप में हरोली को मिले हैं, जो कि हिमाचल में पहली बार हुआ है। और हम सुखविंदर सुक्खू जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने आज जो है शपथ ग्रहण कर ली है और हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार बनी है। और जो हरोली का वजूद है वो तो सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री जी की वजह से है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी ने हरोली को इतना विकास करके दिया है जिसकी अगर हम गाथा लिखने जाएँ तो पूरी रात ही बीत जाएगी। और अगर आज हरोली में विकास हो रहा है वो भी उन्हीं के वजह से हो रहा है, क्योंकि चाहे बीजेपी की सरकार भी रही है पर मुकेश अग्निहोत्री जी ने ही हरोली का विकास कराया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जो उन्होंने वादे किए हैं वो सब पूरा करेंगे। असी निचले हिमाचल के लोग बहुत खुश है कि पहली बारी जिहड़ा उप मुख्यमंत्री साढ़े इलाके नूं मिलिया, विकास की कोई पहले भी मुकेश अग्निहोत्री ने कसर नहीं छड़ी, तो हुण भी विकास नूं एक बहुत बड़ी लीड मिलेगी। अग्निहोत्री जी ने लोगों के नाल वादे किए हैं पूरे होंगे और सरकार बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। और एक बहुत बड़ी खुशी है कि हमीरपुर संसदीय सीट से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सानू मिले हैं। मुकेश जी ने बहुत हार्ड वर्क किया हिमाचल के अंदर सरकार लाने तक की, जो प्रयास मुकेश जी कर रहा है उसी का जे आगे इजाफा हुआ है कि हमारी प्रमोशन जो है हरोली की आगे हो गई है और हरोली और तरक्की करेगा, हिमाचल संपूर्ण तरक्की करके आगे जाएगा। बहुत खुश है, हमें गर्व है अपने प्रिय नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी पर। वो लगातार 5 बार विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, अब हरोली वासियों की बदौलत वो उनके नाम के आगे मुख्यमंत्री लगा है, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। मैं पूरे अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से उनको शुभकामनाएँ देती हूँ, क्योंकि हमारे जो निचले एरिए का विकास है ये उन्हीं की वजह से हुआ है।